नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। बच्चा बोलेगा जी, हाँ क्या बोल रहा है? नमस्कार आदाब, मैं हसरुद्दीन हंगामा टाइम न्यूज से हूँ और आपको दिखाता हूँ सच की तह तक। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में और यहाँ पे आप पहुँचा हूँ आजाद नगर गौटिया में, जो वार्ड नंबर 75 से आता है। और आप जो है देख ही रहे हैं कि किस तरह से मतलब यहाँ पे हालात पैदा हो चुके हैं। डेंगू का इतना प्रकोप है, प्रकोप जारी है, मच्छर और डेंगू पैदा हो रहे हैं, इससे लोगों के लिए बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। और भाई साहब आप देख ही रहे हैं जो है सफाई कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ आज आपसे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जाए सफाई हो गया, मलेरिया फैली है, बुखार आदमी पैसा आए कहाँ से इलाज करा। आपका नाम क्या है? सुलेमान। और भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ इस सिलसिले में। भाई आपका क्या नाम? अमजद भाई। अच्छा अच्छा अमजद भाई, तो क्या कहना चाहेंगे, इतना प्रकोप हो रहा है डेंगू का मच्छरों का। प्रकोप ये है कि यहाँ की सफाई होना बहुत जरूरी है और नालियों में पानी भरा हुआ रहता है। हमारी वार्ड का मेंबर सही नहीं है। अच्छा, हाँ भी क्या करें, हमारी वार्ड का मेंबर सही नहीं है, बहुत आता है। हमसे कहता है इधर लोगों ने वोट नहीं दिया, हम काम नहीं कराएंगे। अच्छा, इतनी सारी बीमारियाँ चल रही है और इतनी गंदगी है, क्या नगर निगम की गाड़ी वगैरह नहीं आती? कोई नहीं आती, आती है तो 50 रुपए लेती है। सफाई कर्मी भी नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। एक आता था तो उसको भी लोगों ने दबाव डाल के यहाँ से बुलवा लिया। बहुत सभी लोगों ने मतलब दबाव डाल के यहाँ से बुलवा लिया। डेली आता था, पहले हर महीने आता था, दिन में देर को मतलब उन्होंने बुलवा रखा है, वापसी करवा दी। देखिए नाले की भी ये हालात हो रहे हैं, कैमरा जरा कैमरा डालिए, नाले के भी ये हालात हो रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ के बासिंदा लोगों ने मतलब टीने उन्हें डाल रखी हैं, वो अपने उसके लिए कर रखा है। और बाकी आप सब देख ही रहे हो किस तरीके के यहाँ पे हालात हो गए हैं। और मैं इन भाई से बात करूँगा। भाई साहब आपका क्या नाम है? अच्छा दिलदार, आप यही बरेली के बासिंदा हैं? यहाँ बरेली का रहने वाला हूँ, आजाद नगर गौटिया से। जी, तो ये आजाद नगर गौटिया से जो आता है वार्ड नंबर 75 है जी। जी, तो यहाँ पे ये प्लाट खाली है, अक्सर लोग खाली जगह में कूड़ा डाल ही देते हैं, लेकिन इस पे ये होना चाहिए जो भी सफाई कर्मी आता है, और सफाई कर्मी के लिए चाहिए कि मतलब ये अपनी गाड़ी में भर के ले जाए। ऐसा क्या होता है यहाँ पर? ये बुआ सब ठीक है, मेरा कहना ये है, ये तो जो आपने जो दिखाया था वो रोड है, ठीक है, रोड पे इतना पड़ा हुआ है, वो खुद ही साफ करना पड़ता है निकलने के लिए। अच्छा, ठीक है, वो प्लाट की देखोगे हालत तो 5-5 फीट के ढेर हो गए हैं उसमें। और कोई शादी वगैरह प्रोग्राम हो तो ऐसा कोई नहीं आता है, जैसे कि शादी वगैरह कोई कोई झाड़ू लगाने के लिए आया झूठ से भी कोई और हम लोग गए थे, जब भी कोई नहीं आया है, कह रहे अपने आप करो यार, बहुत टाइम लगता है उसमें आने में। ठीक है, तो अब आप क्या चाह रहे हैं, आपके लिए सहूलियत मिलनी चाहिए इन सारी चीज़ों से? सहूलियत का यही मतलब है, वो जो कहा है समझदार सर है, इसका जो मैंने कहा उसके लिए क्या होना चाहिए, आप तो सभी समझदार हैं, ठीक है, सफाई हो जाए और क्या चाहिए। और टैक्स तो हद से ज़्यादा इतना लगा दिया है, जिसके घर पर टीन पड़ी हुई है उसमें 50-50 हज़ार का टैक्स लगाया है, बताओ। स्मार्ट सिटी है, टीन पड़ी हुई है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का मतलब ये तो है नहीं, जिसकी 20-50 हज़ार ही जगह है, ठीक है, और उसमें पड़ी हुई है टीन, उसी में तुम 50 हज़ार का टैक्स लगा रहे हो, तो वो कहाँ से देगा ये बताओ? गाली बकेगा या खुद रहेगा? तुम सारे टीने डाले हुए हैं इन पे, जो ये साहब ये देखिए कैमरा में इधर दिखाइए, इधर ये टीने वालों पर जो टैक्स भेजा है, ये बेचारे टैक्स कहाँ से देंगे बताओ? इनका कोई कमाने वाला नहीं है, टैक्स भेजा इन्होंने 50-5 हज़ार रुपए के आए हैं टैक्स, ये बताएं। आइए साहब कैमरा मैन, इधर आइए, देखिए सारे लोग सब गंदगी देखने लोग खड़े हुए हैं, ये देखिए, आगे दिखाओ, आगे इधर आइए, चौराहे कैमरा मैन इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए कितनी यहाँ पे गंदगी है। यहाँ जो है स्लीपर पहले आते थे, लेकिन लोगों ने बाप बुलवा लिए फिर से। ऊपर कैमरा रखो, ये बोल रहे हैं। इधर आइए साहब कैमरामैन, इधर ये देखिए, एक जिसमें धर्म 10 मकान है 10 गली में, उसमें जिसमें 4 प्लाट खाली पड़े हुए हैं, इस तरीके की स्थिति है यहाँ की, बिल्कुल गंदगी भरी हुई है यहाँ, कोई भी यहाँ स्लीपर नहीं आता, कोई सवाल भेजता ही नहीं है।
एक लड़का आता था पहले, बहुत पहले, तो उसे भी लोगों ने बुलवा लिया, मेहनत करता था वो, इसलिए बुलवा लिया। ठीक है, आपने सारे लोगों से बातचीत सुनी और इन्होंने अपनी अपनी समस्या का समाधान रखा, और मैं चाहता हूँ कि इस सरकार में समस्या का समाधान हो रहा है और इसका भी समाधान होना चाहिए, और मैं इन्हीं बातों के साथ सहयोगी कैमरा भाई के साथ और मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ अपनी बातों के लिए, अपने शब्दों के लिए यहाँ पर विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।